हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप एक अट्रैक्टिव अटेंडेंस शीट कैसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूँ आपको होस्ट प्रदोष विजय और आप देख रहे हैं विजय कॉम एजुकेशन। चलिए शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक टेबल बना कर रखा है एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है, जिसका हम अटेंडेंस रिकॉर्ड चेक करेंगे। तो यहाँ पे सब देख रहे हैं, सीरियल नंबर, नेम, एम्प्लॉय कोड और डेजिग्नेशन है। अब हम चाहते हैं मेरा कंपनी का नाम यहाँ पे शो करे, तो हम चाहते हैं मेरा टॉप पे इस जगह, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना कंपनी का नाम लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब ये मुझे बीच में चाहिए तो मैं इस पूरे यहाँ तक सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करूंगा तो ये मेरा बीच में आ जाएगा और यहाँ से हम इसका फॉन्ट को बढ़ा कर देंगे, ये हमारा बड़ा हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पे हम इसको कर देते हैं ये, तो ये हमारा टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब हम चाहते हैं यहाँ पे हमारा मंथ का नाम आए, मंथ डेट आए, ठीक है। जैसे कि अभी अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ डेट के हिसाब से, तो मेरा लेता हूँ मैं 01/07/2020, तो हमारा ये डेट आ गया। तो ये डेट देखिए अभी इतना लंबा लग रहा है, 1/7/2019, मुझे इस डेट को शॉर्ट में करना है। तो शॉर्ट कैसे करेंगे, आप जैसे कि कंट्रोल वन को प्रेस करेंगे, ठीक है, तो आपका फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये देखिए फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पर जैसे डेट है, ठीक है, तो डेट फंक्शन को हम यहाँ से चूज करेंगे और यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, तो यहाँ से कॉपी। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये हमारा शॉर्ट आ चुका है डेट का, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा 1 जुलाई हो गया, हम चाहते हैं यहाँ पे हमारा एक और पड़ जाए, तो हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे इक्वल टू के पास और प्लस 1 को एंटर, तो हमारी ये 2 जुलाई आ चुका है। अब हम यहाँ से इसको ड्रैग कर लेंगे 31 तक, ओके, तो ये हमारा 25 जुलाई तक हो गया, इसको और थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे ड्रैग हो चुका है 31 जुलाई तक, ओके। अब हम चाहते हैं यहाँ पे हमारा वीक डेज भी दिखे, ये तो हमारा वीक हो गया 1, 2, 3 हमारे डेज हो गए। अब हम चाहते हैं यहाँ पे नेक्स्ट में हमारा वीक भी आए कि कौन सा वीक का ये डे है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू टेक्स्ट, ओके, देन इसे हम सेलेक्ट करेंगे कॉमा, ये डी 3 बार डी लिखेंगे और हम इसको बंद कर देंगे ब्रैकेट। ये हमारा आ चुका है मंडे। अब 1 जुलाई हम चेक करते हैं, तो हमारा 1 जुलाई का कौन सा डे है, मंडे, तो ये हमारा परफेक्ट आ चुका है। हम इसको यहाँ से इसको डायरेक्टली ट्रैक कर देते हैं पूरा जहां तक हमने डेट को ट्रैक किया था 31 तक, ये हमारा टोटल हो चुका है। अब यहाँ पे इसको एक सेट कर देते हैं, यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया और इसको हम सेट कर दिया हाईलाइट के लिए, ठीक है, ताकि हम इसको चेक कर सके बाद ये होगी हमारी, ओके, ठीक है। तो अब जुलाई मंथ का टेबल क्रिएट करते हैं अटेंडेंस के लिए, ठीक। तो अब हम इसको यहाँ से ले लेंगे पूरा, ये हमारा 12 तक था और ये था लास्ट तक। अब टेबल कहाँ करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, टेबल के लिए हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पे हमारा ऑल बॉर्डर्स है तो हम सेलेक्ट करेंगे, तो हमारा ये ऑल बॉर्डर क्रिएट हो गया। और इसका जो फ्रंट है इसका फॉन्ट को हम इसको बोल्ड कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, ये देखिए कुछ अलग अलग ऐसे स्पेसेस यहाँ पे बचे हुए हैं, एज में भी और डेट में भी, हम इसको चाहते हैं ऑटो फिट करना। ऑटो फिट कैसे करेंगे, अपने कीबोर्ड पर पहले अल्ट एच को प्रेस करेंगे फिर ओ आई, तो देख रहे हैं ये अपने आप ऑटो फिट हो चुका है। लेकिन अभी भी आपका जो मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे है, ये जो हमारा डेज है ये मिडिल में नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे पूरा को और ये यहाँ से इसको हमने मिडिल में कर लिया है। अब हम चाहते हैं हमारा जो संडे है यानी कि वीक ऑफ वो हमारा हाईलाइट हो जाए कोई डिफरेंट कलर से, अलग कलर से, हम इसको पूरा कर लेंगे सनलाइट,
ये हमारा पास सेलेक्ट हो गया। ये सेलेक्ट होने के बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, इस जगह पे। इस जगह पे आने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम आएंगे न्यू रोल में। न्यू रोल में आने के बाद यहाँ पे जो सबसे लास्ट ऑप्शन है, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इसको क्लिक करेंगे। ये हमारे यहाँ पे फॉर्मूला देना होगा, वहां पर ले जाएंगे इक्वल टू और ये सेल को सेलेक्ट करेंगे मंडे, क्योंकि हमें संडे को एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं डॉलर ई और डॉलर टू ये दो आ चुके, तो हमें क्या करना है, सिर्फ टू जो है रो को ब्लॉक करना है, ई को नहीं। तो हम यहाँ से F4 से क्लिक करेंगे तो डॉलर जो है वो ई से हट जाएगा। उसके बाद हम फिर से इक्वल टू देंगे और यहाँ पे संडे मेंशन कर देंगे, तो हमारा संडे हाईलाइट की सर। फॉर्मेट सेल में जाएंगे, यहाँ से कोई भी कलर चूज कर लेते हैं और यहाँ पे फॉन्ट भी चूज कर लेते हैं बोल्ड और यहाँ पे कर लेते हैं व्हाइट। उसका ओके करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे जो संडे है हमारा वो हाईलाइट हो चुका है। ओके, अब हम चाहते हैं ये जो एरिया अप्लाई किया, यहाँ पे हम प्रेजेंट देंगे, ऑप्शन देंगे। तो अभी अगर हमने यहाँ पे प्रेजेंट लिख दें तो ये बहुत लंबा होगा, कोई लिखेंगे कोई नहीं लिखेंगे, या फिर हम पी करेंगे तो ये भी जाए, इस तरह से बहुत लेट होगा लेकिन एक एक चीज। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देते हैं ताकि आप यहीं से चूज कर सकते प्रेजेंट है ऑप्शन, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाएंगे, उसके लिए ये जो एरिया, इस एरिया को पूरा हम सेलेक्ट कर लेंगे, इस एरिया को हमने पूरा कर लिया सेलेक्ट। अब क्या करेंगे हम, अब जाएंगे हमारे डेटा में, डेटा ऑप्शन में, वहां पे जाएंगे डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे चूज करेंगे अलाउ है वैलिडेशन क्राइटेरिया के अंदर, अलाउ अलाउ के अंदर हमें दिख रहा है एनी वैल्यू। तो यहाँ पे हम आएंगे लिस्ट में, लिस्ट में आने के बाद यहाँ पे मेंशन करेंगे प्रेजेंट, ऑप्शन और विकोप, अगर आप किसी और टीम में विकोप देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम कर देंगे ओके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हर एक सेल पे आपका एक लिस्ट का ऑप्शन आ चुका है, हम ये सब क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं प्रेजेंट, यहाँ पे हम देंगे ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से इसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं। तो लेकिन अभी देख रहे हैं जैसे कि प्रेजेंट और ऑप्शन सेम आ रहा है, हम चाहते हैं हमारा कभी ऑप्शन कोई हो तो उसका कलर डिफरेंट हो जाए ताकि हम उसको अच्छी तरह से पहचान सके कितना डेज कोई ऑप्शन है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको फिर से पूरा को सेलेक्ट करेंगे, ये हमने इसको पूरा को फिर से सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे हम आएंगे हाईलाइट सेल्स रूल, उसके बाद आएंगे हम इक्वल टू, इक्वल टू जैसे आएंगे तो यहाँ पे अगर हमने ए डाला तो आप देखिए जहां जहां हमने ए डाला तो वो हाईलाइट हो चुका है। यहाँ पे कैसे हाईलाइट हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हैं विथ लाइट रेड फील विथ डार्क रेड टेक्स्ट, इसको अगर आप चेंज करना चाहते तो रेड टेक्स्ट में चेंज हो जाएगा, रेड बॉर्डर में चेंज हो जाएगा, या फिर लाइट रेड फील में, या तो आप यहाँ से जो भी चूज करना चाहते चूज कर सकते हैं, येलो लेना चाहते येलो भी चूज हो जाएगा। तो हम चाहते हैं ये रेड में रहेगा और मैंने इसको ओके कर दिया, अब ये मेरा ऑटोमेटिक हो चुका है। अब कहीं पर अगर ऑप्शन को चूज करेंगे तो मेरा ऑटोमेटिक रेड पे आ जाएगा। तो क्या ये हमें पहचानने में आसानी होता है कि कौन कौन से प्रेजेंट हुए हैं, कौन कौन से ऑप्शन हुए और कौन कौन जीव कितना प्रेजेंट हुआ है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो वीक ऑफ है हमारा वो बाय डिफॉल्ट संडे में रहे, हम क्या करेंगे यहाँ पे जाएंगे डेट बाय डिफॉल्ट डब्ल्यू वो वीक ऑफ हो गया और इसको हम फिल डाउन कर लेंगे, यानी कि पहले इस सेल को पर सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल डी करेंगे तो हमारा ये फिल डाउन हो जाएगा। अब चाहे आप इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए तो ये यहाँ पे पूरा आ चुका है। तो इस तरह से आप एक बेहतरीन अट्रैक्टिव अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आई होगी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।